बेमौसम की बारिश से किसानों के अरमानों में पानी फिर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिटिन बिहार। मैं हूं सुंदर कुमार। मैं अभी मौजूद हूं कटिहार जिला के डनकुरा प्रखंड अंतर्गत डनकुरा पंचायत में। यहां पे 3 रोजों से जो बारिश पड़ रही थी, जिसमें किसानों के अरमानों में पानी फेरा गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे खेत है किसानों की, जो इनकी फसल जो क्षति हुई है, काफी किसानों लोग परेशान है। अब इनके जो मुआवजे हो, जो इनकी जो समस्या हो, वही समस्या का कौन निदान करेगा? तो हम तमाम यहाँ पे किसान लोग हैं, कुछ ग्रामीण लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आखिर ये जो फसल कब्जा मुआवजा इनको कितने मिलता है सरकारों के द्वारा से, जिसमें कि नीतीश कुमार कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि स्मृत बिहार और सुखी बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसान कितना सुख है इस बिहार में? तो हम बातचीत करते हैं किसान की जन समस्या को लेके। क्या है आप लोग की समस्या? समस्या अभी मान लिया धान हम लोग का तो हाँ, जो भी वैसे बाढ़ पीड़ित खत्म हो रहा था, तो जो भी लगाए हैं मान लिया ऊंचा ऊंचा जमीन में, अब मान लिया अभी दाना भी नहीं पकड़ा है अच्छा ढंग से, और वो मान लिया अभी गिर गया, अब तो वो तो खत्म हो गया। हाँ, तो हम लोग खाएंगे और जिएंगे कैसे? हाँ, तो ये 3 रोज के जो बारिश में आंधी तूफान से पूरा फसल नष्ट हो चुका है, पूरा खत्म है। क्या लगता है सरकार इसमें मुआवजा देगी क्या आप लोग को? तो सरकार को तो मान लिया अपने आप सोचना चाहिए, और किसान से ही सरकार होता है, और सरकार से ही किसान भी फायदा मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं सुखी बिहार इसमें किसान, मतलब किसान सुखी संपन्न है, और हर वक्त हम किसान के लिए हर वक्त हम तैयार हैं। तो तैयार रहो, अभी मान लिया हम लोग का फसल क्षति हुआ है, उसका मुआवजा दो तो ठीक है। अच्छा, लगभग ये फसल कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग हम लोग का यहाँ साल भर खाने का फसल मेरा नुकसान हो गया। लगभग कितना खेती हो जाता है? खेती है यहाँ से लेके मान लिया 3 बीघा से कुछ थोड़ा बहुत ऊपर है, तो यहाँ दो परिवार का घर का मान लिया 10 रहे परिवार में, एक परिवार में या 5 रहे, लेकिन साल भर भी खाते हैं तो हम लोग का खत्म नहीं होता है, उतना उपज हो जाता है। अभी तो हम लोग मान लिया यहाँ 1 महीना खाने के लिए उपज नहीं होगा। अब तो ये फसल बर्बाद हो चुका है, हो गया, खत्म हो गया। अब क्या करेंगे आप? हम क्या करेंगे, हम लोग तो किसी भी तरह से क्या कीजिएगा, जमीन है तो फिर भी अरे कर्जा उठाओ, कुछ ब्याज उठाओ, कुछ कीजिए, और करना ही पड़ेगा, खेती तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार अपना दिल उसको कैसे हम लोग किसान को बचाव करता है, कैसे सुझाव देता है, तो वही करेगा, सरकार ही करेगा। और हम किसान लोग से बात करेंगे कि जो इनका फसल साल भर सरकार जो इस फसल को उपज करके वो लोग खाते हैं और जीवन यापन करते हैं, तो हम और हम यहाँ हमारे साथ जो किसान है उन लोग से भी बात करते हैं। क्या आप लोग की समस्या है? मेरा समस्या तो 3 बीघा में खेत लगाया था, वो खेत पर मेरा धान फूटने लगा, बीमारी से खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? आप तो नया पूंजी बना करके करना होगा, कमा के किसी तरह से कर्ज पूरे लेकर के करना होगा। कितने का नुकसान हुआ है आपकी फसल? नुकसान तो लगभग मेरा 40-50 हज़ार का हुआ। 40-50 हज़ार का? जैसे कि नीतीश कुमार कहते हैं कि क्षतिपूर्ति हम देते हैं किसान भाइयों लोग को देते हैं, कुछ नहीं मिला। क्या क्षतिपूर्ति मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री का जो वादे है क्या ये आपको धरातल में क्या दिखाई देता है, या आपको कुछ उसका लाभ मिलता है आप लोग किसान भाइयों लोग को? कोई लाभ हम लोग को नहीं मिला, कुछ नहीं लाभ मिलता है, फुट भी नहीं मिल भी में क्या हम लोग क्या बोलेंगे, क्षतिपूर्ति मिलता है क्या आप लोग? कुछ नहीं मिला। तो जैसे कि किसान भाइयों लोग कह रहे हैं कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो लाभ है जो हम लोग को सही ढंग से हम लोग को नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से हम लोग को वंचित रहते हैं, परेशान रहते हैं, आके हम लोग का जीवन यापन करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो क्या कहेंगे सर? 3 बीघा मेरा भी मतलब धान नहीं फूटता, नहीं फूटता, पूरा फसल बर्बाद हो चुका है। और क्या कहें? अच्छा, क्षतिपूर्ति क्या भरिएगा किसान जो सलाहकार जो है? तो भरेंगे ना, भरेंगे, कितना मिलेगा उसमें क्षतिपूर्ति? वो सरकार ने बताएगा कि कितना। कभी मिला है आपको? मिला तो है। कितना मिला है? 2000। कितने का फसल लगाए हैं आपका, जो उसमें जो पूंजी जो लगा है? अब 3 बीघा में जितना खर्चा, कितना लगभग क्या, 5000, 10000, 15000, 20000, कितना? 20-25 हज़ार मान के चलिए आप खर्चा किए खेती के उपज में, और आपको 2000 रुपया मुआवजा देगी सरकार से,
कैसे जीवन यापन होगा? वही ना, क्या सरकार को कुछ जो क्षतिपूर्ति में कुछ पैसा बढ़ाना चाहिए? तो बढ़ाएगा नहीं, बढ़ाएगा नहीं। क्या अपील करना चाहेंगे मुख्यमंत्री से? हम लोग क्या अपील सकते हैं? नहीं, आपकी जन समस्या है जिस तरह से, तो क्या मैंने क्षतिपूर्ति का जो मुआवजा था बढ़ाना चाहिए? हाँ, तो बढ़ाना तो चाहिए। जैसे क्षति, कम से कम बीघा में 5,000 रुपए कम मिलना चाहिए। क्षति बीघा में 5,000 रुपए मिलना चाहिए, तब ना कुछ जान बचेगा। अब 2,000 रुपए दे के 2,000 में क्या होगा? क्या होगा? एक बोरा खाद भी नहीं होगा। क्या कहेंगे तो पूरा सालों भर आप लोग परिवार इसी अनाज को उपज करके खाते हैं। बस इसी से हम लोग अब किस तरह से जीवन यापन होगा? क्या होगा अब जो जीवन जो करना पड़ेगा वही बुद्धि होगा। सरकार अगर नहीं देगा तो हम लोग अपना करेज उठा करके खेती करना ही पड़ेगा। देखा जाता है कि पूरा बिहार में क्या पूरा प्रदेश में किसान लोग हर वक्त कर्ज में डूबा हुआ रहता है, ना कि जो उनके जो भी पदाधिकारी है, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी है, वो कभी भी आज तक उसका समस्या का हल नहीं कर पाया है। नहीं कर सकते, उनको मिलेगा तो ना कभी करेंगे तो ये ना कुछ भी सरकारी लाभ किसान के जो जो भी है यहीं से सब हो जाएगा। कुछ भी मिला आप लोग को कुछ सरकारी लाभ, कुछ ऐसा हो जो आप लोग को जीवन यापन करने में जो लाभ मिल सके? कहाँ मिला उनको कौन सी? कभी कभी तो खेती में हम लोग अपना लगाते हैं, बस वही उठाई बोने करते। कभी महाजन होता है तो उसी से हम लोग लेते हैं, महाजन से बस इसी उपज करके देकर के उसी को फिर हम लोग नाप देना पर। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, जैसे मान के चलिए फसल जो उपजता है उसको बेचते हैं कहाँ पे आप लोग? हम लोग वही बनिया लोग के पास। बनिया लोग पैक्स पे क्यों नहीं बचते हैं? क्या बोल रहे चाचा, इधर आइए थोड़ा सा। पैक्स वाला मान लिया कि कहीं लेगा उतना रहेगा, हमारे पास उतना रहेगा तब ना लेगा पैक्स वाला। वो खोजेगा मोटा वाला, गाड़ी खोजता है, हमारा अथी खोजता है, ट्रैक्टर में जितना मैंने नाम रहेगा हमारा तब ना पैक्स में, तब ना पैक्स वाला लेगा। क्यों आखिर मतलब आप किसान लोग हैं, आप लोग को अपना नहीं, हम लोग को इतना नहीं है, जानकारी नहीं दिए है उसको, नहीं जमा लेता है। हम लोग पैक्स में बेचे हैं बनियालों को बेचे हैं। पैक्स जो बनाया है मालूम किस लिए बनाया है? आप लोग किसान भाइयों किसान के लिए ही बनाया है। ज्यादा माल खींचता है। आप लोग 2 बीघा 3 बीघा फसल खेती करते हैं, वो 3 बीघा आप लोग पैक्स में मतलब मुश्किल हो जाता है। पैसा पहले उठा दीजिए आप, मान लीजिए पैक्स वाला देगा पैसा पहले? हमको तो अभी जो खत्म हुआ खाद लेना है, वहाँ जो खाद देना है क्या देना है उसी से उठा कर लाएंगे। वो हमारे पास 100 बीघा नहीं है, यही होता है, यही हो रहा है। क्या कहेंगे आप? आप देख ही रहे हैं कि ये बारिश के कारण किसान का पूरा खेती जो है बर्बाद हो गया है, और मैं नीतीश सरकार से अपील करना चाहूँगा कि आप दिल्ली के तर्ज पर 50,000 रुपये का जो मुआवजा दिल्ली सरकार ने घोषणा किया है उसी के तर्ज पे बिहार के किसानों को आप दें। जैसे कि देखा जाता है कि पंचायती क्षेत्रों में पैक्स बनाया है किसानों के लिए, लेकिन आज तक किसानों का जो फायदा होना चाहिए पैक्स के जरिए से वो लाभ नहीं मिल पाया। लाभ है कभी है कोई लाभ नहीं, कुछ नहीं। और किसान तो यहाँ टूटा हुआ है, वो पहले कर्ज लेके ही अपने खेत को तैयार कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रही है कि पैक्स के जरिए से किसान को सही मुआवजा मिलेगा, सही उचित दाम मूल्य मिलेगा। वो सिर्फ बोलने का है, नीतीश कुमार का जो भी घोषणा है वो उसके सिर्फ कागजात पर है, धरातल पर कुछ नहीं है। जैसे आप भी देख रहे हैं कितने गिरे हुए हैं धान, उसके जितने भी है वो हवाई में है। वो अभी हवाई सर्वेक्षण करे किसान के प्रति, किसान का हवाई सर्वेक्षण करके देखे कितने किसान को इसका नुकसान हुआ है। इस आंधी तूफान से काफी पूरा बिहार के विभिन्न जिलों में किसान लोगों को पूरा काफी नुकसान हुआ है, काफी नुकसान हुआ है। हजारों हजार हेक्टर की धान का फसल वो बर्बाद हो चुका है, और उसके बाद जो लगने वाला फसल मकई तोरी वो भी पीछे हो, ये भी अब मान लीजिए कि ये भी अब पीछे चल गया। मान के चले अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो मुआवजा देते क्षतिपूर्ति देती है, कितना देती है उसमें? क्षतिपूर्ति तो वो खाना पूर्ति के लिए है, उसमें कोई ये नहीं है किसान के लिए, किसान के लिए कोई फायदा नहीं। क्षतिपूर्ति के बारे में हमने आपको बोला ना, दिल्ली सरकार जो कल घोषणा किया है 50,000 रुपए किसान को, वो बिहार सरकार भी घोषणा करे बिहार के किसान के लिए मुआवजे बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, एकदम बढ़ना चाहिए। सब चीज का रेट बढ़ रहा है, महंगाई कहाँ से कहाँ है, और किसान को क्या मुआवजा? वो 2,000 रुपया
किसान को 2000 रुपया धान आरोप कटेंगे 1200-1300 रुपया देगा। अब देख रहे हैं तेल का महंगाई, पेट्रोल, किरासन, डीजल, करवा तेल, सरसों तेल जो किसान उपज करती है वो जब बेचने जाता है अपना तो 3000-4000, और भी वो सरसों तेल 200 रुपया किलो बिक रही है। 230 क्या आप लोग क्या अपील करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से? माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील यही है कि किसान का मुआवजा बढ़ना चाहिए। जो दिल्ली सरकार फैसला लिया है अपने राज्य के किसानों के लिए, वही बिहार सरकार अपने किसान, अपने राज्य के किसान के लिए घोषणा करे जी। तो जैसे कि तमाम किसानों का ये कहना है कि जिस तरह से ये फसल जो बर्बाद हुए हैं हमारे, जिस तरह दिल्ली सरकार अपने किसानों के ऊपर में जिस तरह से मुआवजे का जो कहे हैं, उसी तरह से यहाँ पे जो मांग है इन लोग का कि मुआवजे कम से कम बढ़ाना चाहिए बिहार सरकार को कम से कम, ताकि हम लोग का भी जीवन यापन हो सके, ताकि ये जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा है, किरासन आपका जो तेल में जो महंगाई बढ़ रहा है, अन्य चीज में जो महंगाई बढ़ते जा रहा है, जिसमें कि किसान लोग को जीवन यापन करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बने रहे बिटिंग बिहार के लिए।